श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी के चरित्र में पिछले प्रसंग में हम सभी ने सुना था, श्री गोस्वामी जी को राम जी के बाल रूप का दर्शन होता है और राम जी गोस्वामी जी के माथे पर चंदन लगाते हैं। हनुमान जी के द्वारा जब तक संकेत होता है तब तक श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान में जाते हैं। अब इसके आगे की कथा हम सब सुनेंगे। हनुमान जी प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी से कहा, अब तो दर्शन हो गया, अब तो प्रसन्न हो। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे संदेह तो हो रहा था कि प्रभु ही लग रहे थे, लेकिन देखो इस बार भी चकमा दे गए, इस बार भी मैं भ्रमित हो गया, मुझे दर्शन इस बार भी नहीं हो पाया। तो हनुमान जी ने कहा कि इसलिए तो इस बार मैं पहले से तत्पर था कि कहीं फिर से तुलसीदास धोखे में ना पड़ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपकी इतनी तत्परता के होते हुए भी धोखा तो हो ही गया, दर्शन तो हुआ लेकिन संतोषजनक दर्शन तो भी नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा कि देखो, लाभ के साथ साथ आपका लोभ भी बढ़ता जा रहा है। तुलसीदास जी एक बार फिर से हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु एक बार पूर्ण संतोषजनक दर्शन और करवा दीजिए, बस गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए ना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप बताओ कि आपको किस प्रकार का दर्शन हो जाए तो आपको संतोष हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि आपके सहित प्रभु की पूर्ण पंचायत श्री राम राज दरबार की झांकी का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो। पंचायतन का अर्थात चारों भैया और जानकी जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, आप इसी समय श्री कामतगिरि की परिक्रमा करते रहे, प्रभु कृपा से आपका ये भी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी, जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी इसके पश्चात फिर अपने नित्य क्रियाकलाप में लग जाते हैं। फिर वही प्रतिदिन की भांति तुलसीदास जी ठीक उसी समय कामतगिरि की परिक्रमा देते हैं। एक दिन परिक्रमा तुलसीदास जी दे रहे थे और भजन गुनगुना रहे थे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिले हो दीनानाथ हमारे, आप कब मिलेंगे, जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, खम्ब फाड़ी हिरे ना कुश मारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, जैसे मिले प्रभु बलि राजा को, जैसे मिले प्रभु बलि राजा को, जब देखत तब ठाड़ प्रभु द्वारे, कब मिले हम दीनानाथ हमारे। इस प्रकार गोस्वामी जी भजन गा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जैसे मिले प्रभु जनक सुता को, जैसे मिले प्रभु जनक सुता को, भंजी धनुष जय माल उर धारे, जैसे मिले प्रभु
दुपद सुता को खेचत चीरे दुशासन हारे, कब मिले हो दीनानाथ हमारे। ऐसे ही मिलो दास तुलसी को, ऐसे ही मिलो दास तुलसी को, सब प्रकार हम भये तुम्हारे। कब मिले हो दीनानाथ हमारे। भजन पूरा होता है गोस्वामी जी का नाम जब, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। नाम जब चल ही रहा होता है सामने बड़ा ही तीव्र प्रकाश होता है, सामने तीव्र प्रकाश होता है, सामने श्री राम पंचायतन दरबार की झांकी का श्री गोस्वामी जी महाराज को उसी समय श्री हनुमान जी के सहित दर्शन हो जाता है। थोड़ी देर श्री गोस्वामी जी दर्शन करते हैं, उसके पश्चात दृश्य अदृश्य हो जाता है और श्री तुलसीदास जी महाराज बेसुध खड़े रह जाते हैं। उसी समय वहां पे श्री हनुमान जी का दर्शन होता है, श्री हनुमान जी का आगमन होता है। हनुमान जी कहते हैं श्री तुलसीदास जी, तुलसीदास जी को थोड़ा होश होता है, सचेत होते हैं। हनुमान जी को दंडवत किया, हाथ जोड़ दिया, आज्ञा गुरुदेव अब तो आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से हो गया। हनुमान जी कहते हैं ठीक है भाई, आपका मनोरथ हो गया, अब आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। तुलसीदास जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, आपका मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते थे, उनका कार्य मैं पूर्ण करूंगा, उनका मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। हनुमान जी कहते हैं हाँ मेरा मनोरथ आप ही पूर्ण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं तो बड़ा आश्चर्य है, संपूर्ण जगत का मनोरथ पूर्ण करने वाले परम सामर्थवान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, बुद्धिमानों के शिरोमणि, सकल गुण के निदान है ना, पूर्ण काम श्री राम जी के पारे, जानकी माँ के दुलारे श्री हनुमान जी, आपकी भी कोई मनोरथ शेष है क्या, और उसकी पूर्ति मुझ जैसे नगण्य एक भिक्षुक से। ऐसा सुनकर प्रभु किसे विश्वास होगा। हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास जी संदेह मत करो, मेरा एक बड़ा ही प्रबल मनोरथ है जिसकी पूर्ति आपके द्वारा ही संभव है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा आपकी कोई सेवा हो सके तो उससे आपको प्रसन्नता हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा, आप निसंकोच मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि देखिए आपको ज्ञात है अब मेरे प्रभु श्री राम जी अपनी लीला पूरी करके अपने साकेत धाम को प्रस्थान करने प्रस्थान कर गए हैं और अयोध्या की जितनी प्रजा थी उन सभी को भी दिव्य विमान में बिठा के सबको अपने साथ ले गए, यहाँ तक कि माता जानकी की निंदा करने वाले धोबी को भी नहीं छोड़ा, घास पत्ते कुत्ते बिल्ली आदि जो जीव जंतु जड़ हैं चेतन हैं उन समस्त प्राणियों को भी अपने साथ ले गए। लेकिन देखिए देखिए मेरा भाग्य कि भविष्य में अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा। जब प्रभु ने मुझे छोड़ा तो मैंने भी प्रभु से कहा कि भाई ऐसे तो मैं नहीं रह सकता। प्रभु ने कहा कि तो फिर बताइए आपके रहने के लिए क्या व्यवस्था हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपकी कथा का आधार दे दीजिए, आप भले ही ना रहे भले ही आपका दर्शन ना हो लेकिन आपकी कथा मिलती रहे। हल समझ रहे ना, कथा राम जी से भी बड़ी है, राम कथा राम जी से बड़ी है। तभी तो हनुमान जी राम जी को तो छोड़ दिया हनुमान जी ने कि ठीक है आप जाओ लेकिन कथा को हम नहीं जाने देंगे, कथा को हम लोग सुनेंगे। हनुमान जी आगे कहते हैं कि देखिए कलिकाल के प्रभाव के कारण अब संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ है उन सबका जैसे जैसे अभाव होता जा रहा है,
वैसे वैसे कथा की भी कमी होती जा रही है, और राम कथा के बिना मैं रह नहीं सकता। हम अब इतना ही करें कि संस्कृत में जो छुपी हुई जो श्री राम कथा है उसको सर्वसाधारण की जो बोलचाल है, जो ग्राम्य भाषा है, उसमें आप उसे लिपिबद्ध कर दें, जिससे सभी लोग आसानी से उन चरित्रों को सदा सर्वदा गाते रहें और मुझे भी कथा सुनने को मिलती रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन ये कार्य आपकी कृपा के सहारे ही संभव हो सकेगा। हनुमान जी कहते हैं इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मेरा पूर्ण सहयोग आपको सदा मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संस्कृत भाषा वाली श्री राम कथा का भाषांतरण करने में मूल आधार किन किन ग्रंथों का लेना है। तो अब हनुमान जी महाराज एक ही करके ग्रंथ बता रहे हैं कि इन इन ग्रंथों से आपको श्री राम कथा लिखनी है। सर्वप्रथम तो संस्कृत भाषागत श्री राम चैत्य मानस की कथा, जो शंकर जी ने रचकर भगवती पार्वती को सुनाई, समय आने पर श्री लोमस जी, फिर लोमस जी से श्री काकुशुंडी जी, याज्ञवल्क जी, भरद्वाज जी और इन सब संतों से परंपरागत रूप से आपके गुरुदेव श्री नरहरि दास जी तक आई है। वो कथा आपके गुरुदेव ने आपने आपको भी सुनाई है, पहले तो उसका मूल आधार, दूसरा मेरे द्वारा रचित जो हनुमान नाटक नामक जो संस्कृत नाट्य है उसे, और उसके अतिरिक्त क्या नाना पुराण निगमागम सम्मतम, इसके अतिरिक्त अन्य जो निगमागम पुराण हैं उनसे भी प्रसंग के अनुकूल सिद्धांतों का समावेश आपको इसमें करना है। सुंदर सुंदर दोहे, सोठा, गीतक, चौपाई आदि छंदों में ग्रंथ की रचना हो तो जन साधारण के द्वारा जहां तहां ये सतत रूप से गान होती रहेगी। इसे क्या होगा कि मुझे तो कथा की खुराक मिलती रहेगी और कलयुग के जो प्राणी हैं वो भी कथा के द्वारा सुमार्ग पर चलकर शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति कर सकेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा से आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक बात और सुनिए, त्रेता युग में प्रभु के अवतार के समय जैसे ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और बारह का जो संयोग जुटा था, इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन उन्हीं संयोग का एक साथ सामंजस्य होने वाला है। इसलिए आप आने वाली श्री राम नवमी के दिन श्री राम जन्मभूमि श्री अवध में रहकर ग्रंथ लेखन का श्री गणेश करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे श्री राम नवमी भगवान का प्राकट्य तिथि होकर जयंती के रूप में मनाई जाती है, वैसे ही अब से श्री राम नवमी श्री राम चैत्यमानस की भी प्राकट्य तिथि होकर श्री राम चैत्यमानस की जयंती के रूप में मनाई जाएगी। और श्री राम अवतार के दिन ही श्री राम चैत्यमानस का भी अवतार माना जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। इसके बाद हनुमान जी राम जी के नाम का जप करते करते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इतना कहते कहते अदृश्य हो जाते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दृश्य वहां से अदृश्य हो जाता है और अब हम लोग आते हैं दूसरे दृश्य में। तुलसीदास जी वापस अपनी कुटिया पे आ गए और चित्रकूट में अपनी कुटिया पे तुलसीदास जी विराजमान हैं। वहाँ एक सांवले सरोने सुंदर बालक का आगमन होता है और तुलसीदास जी को दंडवत प्रणाम करके वो उनके इशारे पे वहीं बैठ जाता है। बालक कहता है बाबा दंडवत। तुलसीदास जी कहते हैं दंडवत सरकार, दंडवत, जय जय श्री सीताराम, आइए विराजी। बालक सामने आके आसन पर बैठ जाता है। कहिए बालक भगवान, आप कहाँ विराजते हैं? ये साधु संतों की शैली है, कहिए बालक भगवान आप कहाँ विराजते हैं? तो बालक कहता है बाबा यहीं कामतानाथ जी की तलहटी में निकटवर्ती मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस समय कैसे कृपा करी, आपकी क्या सेवा करूँ मैं?
तो बालक कहता है, बाबा मुझे भजन कीर्तन गाने का बड़ा शौक है, आपके पास इस आशा से आया हूँ कुछ गाने लायक गीत पद आपसे मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बात तो आपने बहुत उत्तम कही है, इस दिशा में यदि आप कितनी लगन है तो मैं यथासाध्य आपका पूरा सेव करूंगा, लेकिन पहले कुछ गा के सुनाइए। तो बाला कहता है, ठीक है बाबा, एक गीत आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। तो बालक तुलसीदास जी को एक पद गा के सुनाता है, करो दे प्यारी रसने हरि गुणगान, करो दे प्यारी रसने हरि गुणगान, हरि गुण नाम रूप लीला सम मधुर नहीं कछुआन, मेवा दाख बदाम छुआरे विविध मधुर पकवान। अब बालक तो बालक की तरह रचना होगी, मिश्री दुग्ध स्वर्ग को अमृत नहीं हरि गुण ही समान, नश्वर पंच विषय प्रापंचिक पतुरुन्मुख पहचान, नारायण प्रभु गुणी मधुता नित नूतन अधिकान। तुलसीदास जी कहते हैं, वाह भैया वाह, वाह बालक भवन, पद तो आपने बहुत अच्छा सुनाया, आपको स्वर भी अच्छा है। अच्छा लीजिए, ये चार पद हैं, ये राम जी की लीला के पद मैं आपको दे रहा हूँ, इनको याद करके सुनाइए, और तो फिर जब आप सुना देंगे तो ऐसे ही और पद मैं आपको दूंगा। बालक कहता है, ठीक है, ये चारों पद मैं कल ही आपको सुनाऊंगा, लेकिन कल के लिए फिर चार पद और रचना करके तैयार रखना। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, आप पद सुनाओ और इस तरह मैं नित्य चार चार पद आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँगा। बालक कहता है, अच्छा बाबा चलता हूँ, दंडवत। बालक का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, वाह वाह, बड़े प्रिय दर्शन बालक हैं, गायन का कैसे उमंग है, कैसा स्वर है। अच्छा तो ऐसा करता हूँ कि अभी से इनके लिए पद रचना में लग जाता है। तुलसीदास जी हाथ में कागज और कलम लेकर कुछ देर तक पदों की रचना करते हैं और फिर नाम जप करते हुए सो जाते हैं। और हम लोग भी आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।